नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, झारखंड में विधानसभा का चुनाव का जो है बिगुल फूका जा चुका है। हम भी लगातार दौरे पे हैं। अभी हम हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र में हैं और लगातार लोगों से मिलने के बाद, उनकी बातों को सुनने के बाद, उनकी समस्याओं को, उनके मुद्दों को सुनने के बाद, हम हर प्रत्याशी के पास पहुँच के उनकी उनके एजेंडा, उनके मुद्दों को सुनते हैं, समझते हैं और अब जनता तक पहुँचाने का, आवाम तक, प्रत्याशी तक पहुँचाने का काम करते हैं। अभी हम मौजूद हैं प्रदीप प्रसाद जी के पास, जो बीजेपी के यहाँ पे प्रत्याशी के तौर पे खड़े हुए हैं हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में और जानते हैं किस तरह से ये मुख्य एजेंडा को लेकर जो है जनता के बीच जा रहे हैं, कौन कौन सी समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है और क्या लगता है कि जीत के बाद जो मुद्दा जनता के बीच ये रख रहे हैं उसे वो पूरा कर पाएंगे या उसमें भी कुछ कमी रहेगी। नेशन 24 में नमस्कार सर। लगातार आप जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, क्या लगता है किस तरह के वादे और मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? देखिए, कोई वादा हम लोग नहीं करते और लोगों में, जो हजारीबाग की जनता में आप लोग भी घूम रहे होंगे, इतना उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी को मत देने के लिए, अब उसका कल्पना नहीं किया जा सकता। ये हेमंत सरकार जो अभी वर्तमान में है, झूठ और लूट की सरकार है, उनका पूरा चरित्र लोगों के बीच में पर्दाफाश हो चुका है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, चाहे युवा हो या व्यापारी वर्ग हो या महिला हो, सारे लोग त्रस्त हैं और अपना मत करने के लिए, सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लोग आतुर हैं। तो जिस तरह का हजारीबाग विधानसभा की हम चर्चा करें तो जिस तरह का त्रिकोणीय समीकरण यहाँ दिख रहा है, बन रहा है, चाहे मुन्ना सिंह की बात करें, चाहे हर्ष अजमेरा जी की बात करें, जो आपके यहाँ बीजेपी में भी पहले थे, जिनके अभी निर्दलीय के तौर पर खड़ा हुआ था, क्या लगता है इनसे टक्कर हो सकती है? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी को मैंने निर्दलीय में 6.5 गुना वोटों से पराजित किया है और हमारे जो सांसद माननीय मनीष जायसवाल जी हैं, 2014 में उनको 9.5 गुना ज्यादा मत से पराजित किए थे। अभी पिछला 2019 में कांग्रेस पार्टी ने फिर दमखम लगाया था तो उन्हें भी करीब 1 लाख मतों से, लगभग में करीब 80-90 हजार के मतों से उनको भी पराजित किए थे। तो इस तरह से कांग्रेस का हाल है, कांग्रेस कहीं है नहीं, तो कांग्रेस को किसी भी तरह से कोई टक्कर में, कांग्रेस अंतिम सांस गिन रहा है और शायद 24 के चुनाव के बाद वो फिर से खड़ा भी न हो पाए। 24 के चुनाव के बाद वो खड़ा भी नहीं हो पाएंगे जैसा इनका दावा है। कौन कौन से मुख्य एजेंडा है जो आप जनता के बीच रख रहे हैं? कुछ एजेंडा तो होता है, हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र है, बहुत सारे समस्याएं हैं जनता का, जो आप तक आता होगा, हमारे तक आता है, तो वो उस समस्याओं में से वैसे कौन से मुख्य एजेंडा है जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, हजारीबाग में जो समस्या है, आप समझे पूरी बात को, जितना विकास हजारीबाग में पिछले 10 सालों में हुआ, इससे पहले जो 5 साल का था, 14 से 19 के बीच में काफी कार्य हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हेमंत सरकार में काम होने में बहुत तकलीफ हुआ, लोगों में बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन अपनी सूझबूझ और अपने मेहनत से माननीय सांसद मनीष जायसवाल ने काफी काम किया। इधर उधर से बहुत फंड लाके उन्होंने काम किया, काफी सड़कें बनाई, हर चीज में काम हुआ। और अभी जो काम करने का है, सबसे पहले इस सरकार को, जो भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त कर रहे हैं, कोई भी कार्यालय में कुछ जा नहीं पा रहा, सरकार हिस्सेदार हो गया पदाधिकारियों का, तो लोग त्रस्त हैं, सबसे पहले उससे हटाना है, भ्रष्टाचार का अंत करना है। कोई भी कार्यालय, चाहे अंचल हो या थाना हो, लोग किसी का नहीं सुन रहे, क्योंकि सारे लोग पैसे लेके आ रहे हैं और हर महीना पैसा देते हैं सरकार को, तो ये मुश्किल काम हो गया है। और आने वाले दिन में स्वास्थ्य के लिए और जो पलायन हो रहा है हजारीबाग, उसको रोकने के लिए सांसद महोदय हम मिल के प्रयास कर रहे हैं कि सरकार बनने के बाद, अभी से हम लोग प्रयास करना शुरू किए हैं कि सरकार बनने के बाद कोई ऐसा काम करे कि झारखंड में विकास हो, तो पूरे झारखंड में चर्चा हो कि हजारीबाग विधानसभा या हजारीबाग लोकसभा में सबसे बेहतर काम हुआ है। योगी जी के आने पर विपक्ष ने हमलावर हुए हैं, विपक्ष का कहना है कि उड़ंग खटोला नेता है। क्या क्या फिर से आपने कहा? विपक्ष ने कहा है कि योगी जी जो आपके यहाँ आए, उड़ंग खटोला नेता है। योगी जी क्या नेता है? देश की धरोहर है, देश का एसेट है, आने वाले दिनों में देश की जरूरत है। योगी जी के लिए क्या लोगों के दिल में उनका जगह है, क्या धड़कन है, खास करके हिंदू समाज के लिए, उसका कल्पना नहीं किया जा सकता। योगी जी से आने ही पूरा विपक्ष हिल जाता है और हमारे महाराज जी जो है, योगी जी आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी को पूर्णतः समाप्त करेंगे, वही शख्स पैदा लिए हैं। और उस तरह का योगी एक संत है, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, उन लोगों के मुंह से शोभा भी नहीं देता कि योगी जी के बारे में बोलना है। अगर कांग्रेस को बोलना है, किसी मौलाना के बारे में बोले, किसी पादरी के बारे में बोले, कृपया करके योगी जी का मुंह में वो लोग नाम भी न ले, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? हेमंत जी ने बड़े दावे किए हैं कि इस बार जो है बीजेपी पूरी तरह से झारखंड में समाप्त हो जाएगा और फिर से हेमंत सरकार ही आएगी, फिर से एक बार हेमंत सरकार। देखिए, उनको अधिकार है
कहे लेकिन धरातल पर उतरे। लीक होने वाली सरकार है, एक एग्जाम आज तक नहीं करवा पाते हैं, कैसी सरकार है? हर एग्जाम होता है, बच्चे लोग किसी तरह से अपना पैसा वैसा दे के मेहनत करके एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं, पता चलता है कि क्वेश्चन लीक हो गया। ये फूटा हुआ बाल्टी है, इसमें पानी कभी नहीं भर सकता, इससे विकास कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। और लोग समझ चुके हैं, इस बार आप देखेंगे 23 तारीख का इंतजार करें, हेमंत सरकार बोरिया बिस्तर बना के भेजने को जनता तैयार। क्या लगता है मैया योजना, इस तरह का जो योजना आया अब वो आवास योजना, इस तरह की योजना से उन्होंने काफी हद तक वोट बैंक को अपने तरफ करने का काम किया? नहीं नहीं, आज के डेट में सोशल मीडिया के समय में इस तरह का प्रलोभन देके आप चाहेंगे मत ले लें, संभव नहीं। लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ये मैया कहाँ गई थी? आज 5 साल में 2 महीना के लिए मैया को खोजे, उतना दिन मैया कहाँ गायब हो गई थी? उनको पूछिए कि उतना दिन मैया कहाँ गई थी, 2 महीने के लिए लेके आए और उसका भी पेमेंट नहीं कर पा रहे, वृद्धा पेंशन का पैसा रोक के इधर डाल दे रहे हैं, कहीं उनके पास कोई सोच नहीं है कि किस तरह से फंड लाएं, किस तरह से देश को चलाएं, किस तरह से काम हो पाए, उनको कोई सोच ही नहीं है, तो विजन ही नहीं है। विजन है उनके पास, एक बहुत विजन है, उसका जितने भी तारीफ किया जाए कम है, लूटने का विजन, कैसे पैसा डालें, कैसे उसके मंत्री के एक नौकर के यहाँ 30 करोड़ 40 करोड़ रुपया मिलता है, पता ही इतना ही माम हो रहा है इनका, कुछ भी नहीं होने वाला इनसे। कितनी सीटें आने की उम्मीद है इस बार? देखिए वो फुल बहुमत से आ रहे हैं और अभी तो बहुत कुछ हम नहीं कर सकते, लेकिन मेजोरिटी के साथ आ रहे हैं, हमारे पूरा शीर्ष नेता लोग पूरा आश्वस्त हैं कि झारखंड में हम लोग फुल बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। सर क्या संदेश देंगे हमारे हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र के लोगों को और प्रदेश के भी लोगों को? हम युवाओं को खास करके संदेश देना चाहेंगे, वैसे वोट कटवा लोग से दूर रहे, जिन्होंने ये करने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग अभी आए हैं नए, उनसे दूर रहें, जो राज्य के हित में फैसला ले, जो हजारीबाग के हित में फैसला ले, जिनके पास कोई विजन है उनको चुने, जो लोगों को बीच में रहते हैं और वोट कटवा लोग से बचे और मतदान अवश्य करें। सर ये वोट कटवा का इशारा हर किनके तरफ? वोट कटवा जो भी आए हैं किसी पार्टी से, जो पैसा लेके किसी दल को सपोर्ट करने के लिए वोट काटने का काम कर रहे हैं, उन्हीं को वोट कटवा कहा जा सकता है, और उनको बहुत ज्यादा काटने भी नहीं आता है, बहुत नहीं काट पाएंगे, सैकड़ों में रहेंगे, 1000 में जाएंगे भी नहीं। सर कितना समय दे पा रहे हैं अभी आप जनसभा को, लोगों के बीच, जनता के बीच अपनी बातों को रखने के लिए? हम लोग निरंतर लोगों के बीच में, हम लोग को बहुत ज्यादा समय का मारा मारी नहीं है कि लोगों के बीच जाना पड़ेगा, जो नए लोग आए हैं उनको तकलीफ है कि लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा समय दें, हम लोग आराम से देखिए कार्यालय में बैठ के हाई मस्ती कर रहे हैं, जा रहे हैं लोगों के बीच मिल रहे हैं, 2-4-5 घंटे में हम लोग का काम हो जाता है, उससे ज्यादा यहाँ जाने की जरूरत भी नहीं। तो लोग वो लोग जाए जो नए हैं और जिन्हें लगता है कि वो जीत में जीत नहीं पाएंगे, ये प्रदीप प्रसाद जी का कहना है कि ये लगातार लोगों के बीच हैं, आराम से बैठे हैं कार्यालय में और लोगों से मिल भी रहे हैं, यहीं पे बातें भी हो रही है, और इनका दावा है कि इस बार जीत पक्की है, जीत के बाद पूर्ण मेजोरिटी से यहाँ पे झारखंड में जो है बीजेपी की सरकार बनेगी और नई विकास की गाथा यहाँ पे लिखी जाएगी। आप देखें नेशन 24 न्यूज़, नमस्कार।